वाकया है 1998 का। मुंबई के एक इलाके नवी मुंबई में 16 साल की आलिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। आलिया के पिता उससे कुछ खफा रहते थे। वजह, उन्हें बेटा चाहिए था। आलिया अपनी माँ के बेहद करीब थी, पर एक दिन कार एक्सीडेंट में उसकी माँ चल बसी और आलिया किसी तरह बाल बाल बच गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मानो सब कुछ खत्म, लेकिन फिर भी आलिया बच गई थी। पर वो कोमा में चली गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, किसी को भी उसके बचने की उम्मीद न थी। कोमा में होने के दौरान उसे बड़ा ही अद्भुत एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मानो वो किसी ऐसी सुरंग, ऐसी गुफा में पहुंच गई हो जहां चारों ओर सफेद रोशनी थी, ना कोई सुख ना कोई दुख। शायद यही वो दुनिया थी जो जिंदगी और मौत, मानवीय और अनमानवीय दुनिया के बीच बसती थी। करीब 6 घंटे इस अवस्था में रहने के बाद उसे होश आया। आलिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसे अंग्रेजी में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, यानी मौत के पास होने का अनुभव। खैर, आलिया ने किसी तरह रिकवर तो किया, लेकिन उसे अपनी माँ को खोने का बेहद अफसोस था। जिस हादसे को वो अपनी जिंदगी का सबसे बुरा पल मान रही थी, वो तो बस एक शुरुआत थी।
क्या हुआ? पापा घर में कोई है? घर में कोई है? पी मैंने और चढ़ी तुझे, कहा है कोई? सच में पापा घर में कोई है? किधर है, दिखा मुझे। पापा पापा वो किचन में वो आदमी। कहा है कोई किचन में? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। पापा वो सामने। बंद करिए सपने देखना, जब देखो तो अपनी माँ की तरह मच मच करते रहती है। चुप। पापा। अगले दिन आलिया को कुछ राहत मिली जब उसके चाचा राकेश उससे मिलने आए। माँ के निधन के बाद आलिया के चाचा को ही उसकी सबसे ज्यादा फिक्र थी। भैया अब तो आप जल्दी घर पे आया कीजिए, आलिया सारे टाइम घर में अकेली रहती है। अपनी बेटी की परवरिश करना मैं भली भांति जानता हूँ। भैया रात की तो अभी तक उतरी नहीं, आपकी जुबान आपके कदम अभी तक लड़खड़ा रहे हैं, कैसे चलेगा? आलिया की जिंदगी का सवाल है, आप ये घर बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे? राकेश आलिया इतनी भी छोटी नहीं है कि अपना ख्याल ना रख सके, और जहां तक बात है इस घर की, इस बिजनेस की, इस कारोबार की, ये सब कुछ मैं अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूं। जब वो 18 साल की हो जाएगी तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके नाम पर ट्रांसफर कर दूंगा, वो इन सब चीजों का भी ख्याल रख लेगी। भैया आलिया इस वक्त बहुत छोटी है और इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। कैसे समझाऊं? समझने को तैयार नहीं? ये बच्ची है अभी। तैयार हो गई? चले स्कूल? हाँ बस। क्या हुआ बेटा? चाचू ये आदमी, ये ट्रांसपोर्टर है थाने का, 2 दिन से लापता है। पर मैंने तो इसे यहीं देखा है घर में। नहीं बेटा मुझे पता है, मम्मा के जाने के बाद तुम सारे दिन टीवी देखती रहती हो। बेटा क्या होता है, जो हम देखते हैं सोचते हैं वो दिमाग में बैठ जाता है। नहीं चाचू सच में मैंने इसे कल रात में घर में देखा है यहीं पर। नहीं बेटा चलो स्कूल, लेट हो रहा है। कम ऑन बेटा। अरे ये साइकिल कैसे रुक गई?
आलिया की जिस बात को राकेश ने मजाक में उड़ा दिया, जब उसे अपनी आंखों के सामने पाया तो उसके भी होश उड़ गए। पुलिस के लिए भी ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी। आखिर उस आदमी की मौत से पहले आलिया को कैसे इस बात का अंदेशा हो गया? क्या उसके पास कोई अद्भुत शक्ति थी? ये वरदान था या अभिशाप? इस बारे में काफी चर्चा हुई। उन दिनों न्यूज टेलीविजन का इतना जोर नहीं था, इसके बावजूद जितने भी लोकल अखबार और मैगजीन्स थे सबके सब लग गए आलिया की न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने में। आलिया, आखिर किस तरीके से आपने ट्रांसपोर्टर की लाश का पर्दाफाश किया? क्या ये शक्ति आपके पास पहले से है, पूर्वाभास की? ये सामान्य शक्ति का राज क्या है? क्या आप वो ट्रांसपोर्टर को पर्सनली जानते थे? आप कैसे पहुंचे? क्या आपको कोई लेके गया था? अब आप इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। इस वक्त आलिया बहुत डरी हुई, आप लोग इसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त ये आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती है। प्लीज नो मोर क्वेश्चन। आओ बेटा। देखिए आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? बच्ची की जान खतरे में है। आलिया की जान खतरे में? क्यों, कैसे गुरुजी? कुछ बातें इंसान की समझ से परे हैं। आप सिर्फ इतना जान लें कि बच्ची की जान खतरे में है, बहुत खतरा है इसे। गुरुजी, कोई ना कोई उपाय तो होगा, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है। बिटिया, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गुरुजी, ऐसा मत कहिए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा गुरुजी? तुम्हारे साथ मेरे जीवन को भी खतरा है। मैंने कहा ना, चले जाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। जा!
रही सही उम्मीद की जो किरण थी वो भी चली गई। इसके बाद आलिया को लगातार ऐसे आभास होने लगे जैसे कोई अदृश्य ताकतें हमेशा उसके आसपास हों। दिन रात वो उसी डर में जीती थी, यहाँ तक कि स्कूल आस पड़ोस में उसने बात करना भी बंद कर दिया था। आलिया की जिंदगी का एक कड़वा सच लोगों के लिए बस एक गॉसिप का मुद्दा बनकर रह गया। उसे जरा भी अंदाजा ना था कि हालात और भी बदतर हो जाएंगे। हाय आलिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम में से किसी के पास मैथ्स के सैंपल पेपर हैं? क्या आलिया, तुझे सैंपल पेपर की क्या जरूरत है? तुझे तो फ्यूचर दिखता है, तुझे एग्जाम में भी पेपर दिख जाएगा। छोड़ ना आलिया। सीरियसली पता ना, शाहरुख खान की जो नई फिल्म आ रही है उसके आगे की स्टोरी पता ना? बता ना आलिया, बता ना, बता ना, बता ना, बता ना, बता ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोग सब आलिया को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो, तुम लोग के क्लासेस का टाइम हो गया है। एवरीबॉडी इनसाइड, गो इनसाइड। चलो चलो अंदर, चलो सब लोग। आलिया? यस मैम। आलिया, तुमसे एक बात पूछूं? यस मैम। आलिया, तुम्हें तो पता ही है ना, पिछले साल मेरी माँ का देहांत हो गया। आलिया, क्या तुमने मेरी माँ को कभी देखा है? बोलो। देखा नहीं मैम, देख रही हूँ। देख रही हूँ? कहाँ? वहां बेंच के पास।
हुआ बेटा? चाचू मैं पागल हो जाऊंगी। आलिया, आलिया बेटा संभालो अपने आप को। क्या हुआ बेटा? ऊपर कोई है। बेटा कोई नहीं, बेटा डरो मत, डरो मत। बेटा घर में कोई नहीं, कोई नहीं घर में। तो वो मुझे क्यों बार बार दिखाई दे रही है? एक औरत ऊपर छत पर लटकी हुई। बेटा कोई नहीं। क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने यहाँ पर? भैया वो आलिया ने घर में फिर कुछ देखा हा? अरे पागल हो गई है ये, दिमाग खराब हो गया है इसका। एक डेड बॉडी क्या देख लिया गलती से, हर जगह इसे डेड बॉडी ही दिखाई देती है। पापा मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने यही एक औरत देखी थी सीलिंग पे लटकी हुई। मम्मा होती तो कभी मुझे ऐसा सफर नहीं करने देती। मुझे नहीं रहना आपके साथ। आ जा। भैया अब तो भाभी भी नहीं रही तो फिर किस बात का गुस्सा? वैसे भी आजकल लड़का और लड़की में क्या फर्क है? कोई फर्क? बहुत याद आती है, प्लीज वापस आ जाओ। मुझे कोई प्यार नहीं करता है और पता नहीं भगवान जी भी मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं, क्यों मुझे याद नहीं दिख रही है, क्यों मुझे ऐसा शर्म मिला है। मम्मा प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज 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 मुझे बचा लो मम्मा, प्लीज। एक हफ्ता बीत चुका था, उसके एग्जाम्स करीब आ रहे थे। हालांकि आलिया के पिता अक्सर देर सवेर घर आया करते थे, लेकिन इस बार पूरे 24 घंटे बीत चुके थे और अब तक उनका कोई अता पता नहीं था। आलिया को इस बात की फिक्र हो रही थी। चाचू पापा कल से घर नहीं आए। चाचू मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम्हारे पापा कहीं शराब पीकर पड़े होंगे, होश में आएंगे तो घर पर आ जाएंगे। तुम उनकी चिंता करके अपनी पढ़ाई का सत्यानाश मत करो। मेरे साथ मेरे घर चलो, कम से कम बेटा वहाँ पर तुम सुकून से पढ़ाई तो कर सकोगी। चाचू पर पापा कभी भी आ सकते हैं। बेटा आएंगे तो मुझे फोन करेंगे। तुम मेरे साथ घर चलो, जल्दी से पैकिंग करो। चाचू पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेजर से आपको। मुझे? क्यों? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को पैसे नहीं दे सकता? बेटा जल्दी से ये जूस पी लेना और उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। पर हाँ मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में मुझे थोड़ी देर लगेगी। गुड नाइट। मैं भी खेलूंगी। आप खेलेंगी? शायद आपको।
आलिया बेटा। चाचा क्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? अरे बेटा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम घर से बाहर क्यों आई? रो मत, चुप हो। चाचू ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो हमारी घर के तरफ नहीं जाता है। ये रास्ता वहाँ जाता है जहाँ तुम्हें जाना है, ऊपर तुम्हारी माँ के पास। चाचू आप ये क्या कह रहे हो? मेरी प्यारी प्यारी इकलौती भतीजी तुझे कोई ये प्रेत आत्मा वगैरह मारना नहीं चाहती, मैं तुझे मारना चाहता हूँ। उस दिन वो ढोंगी गुरुजी के पास मैं तुझे इसलिए लेकर गया था कि काला जादू करवा सकूं। वो तावीज तू पहन लेती तो सिर्फ दो दिन में तेरा खेल खत्म हो जाता। लेकिन ऐन मौके पर पता नहीं उस ढोंगी गुरुजी को क्या दिखाई दिया। रात को जब पावर कट हुआ था तो पावर कट नहीं हुआ था, मैंने कट किया था। उसी रात को मैं तेरा कला दबा देता और उस दिन भी तुझे पता नहीं किसी प्रेत आत्मा ने आकर बचा लिया। उसके बाद तेरी किस्मत तेरा साथ देती रहे। फिर मैंने सोचा मेरी प्यारी प्यारी इकलौती भतीजी तुझे इज्जत की मौत मारना चाहिए। पता मैंने क्या किया? मैंने तेरे जूस में जहर मिला दिया। बेटा जल्दी से जूस पी। तब भी तू बच गई और तेरी किस्मत ने तेरा साथ दिया। आलिया बेटा तुम्हारा वक्त आ गया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ और आखिरी बार अपने माँ बाप को याद कर लो। बस तुम मौत के बहुत करीब आ गई। चाचू आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरे बेखूफ बाप ने, मेरे बेखूफ भाई ने सारी की सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया और तू मेरे रास्ते का कांटा बन गई। तू कैसे समझे? तभी बच्ची है, तू मरेगी तभी सारी की सारी प्रॉपर्टी, घर, बिजनेस सब कुछ मेरी हो जाएगी। और इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। Thank you.
वहीं रुक जाओ बेटा। पापा आपको ये चोट कैसे लगी? कहाँ रह रहे थे आप? चलिए अभी घर चलते। नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकता। मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। पापा प्लीज चलिए ना, मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। प्लीज चलिए। नहीं, मैंने कभी तुझे अपने औलाद की तरह प्यार नहीं किया। मुझे माफ कर देना आलिया, शायद इसी की सजा भुगत रहा हूँ मैं। पापा भी क्या बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मेरी बच्ची। मुझे कल ही राकेश की नीयत पर शक हो गया था, इसलिए उसने मुझे भी मार दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेंगे। और हाँ बेटा, जिन जिन प्रेतात्माओं को तुमने देखा उनमें से किसी भी प्रेतात्मा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा तुम्हारी मदद की। दूसरी दुनिया से संपर्क करने की जो तुम्हारी शक्ति है, दरअसल ये एक अभिशाप नहीं है, वरदान है बेटा, वरदान, भगवान का दिया हुआ वरदान। हो सके तो इसे दूसरों की सहायता करने में इस्तेमाल करना। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है मेरा बच्चा, हो सके तो मुझे माफ करना। की जुबानी। That's right. मैं ही आलिया जोशी हूं। इस वाक्य को लगभग 14 साल हो गए हैं। पापा ने जो जाते जाते मुझसे कहा, मैंने उस पर अमल किया। मुंबई में आज इस शक्ति के जरिए मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करती हूँ, और पूरे विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि भगवान की दी हुई शक्ति मेरे लिए कोई श्राप नहीं, वरदान है। क्या ये सच है कि बच्चे सुपरनैचुरल के मामले में एडल्ट्स या बड़ों से ज़्यादा एडवांस्ड हैं? इसमें एडवांस की बात नहीं, लेकिन असलियत यही है कि जो बच्चे होते हैं वो इतने मासूम होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि उनके, जिसे बोलते हैं ESP या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या उनके अंदर जो काबिलता है वो चीज़ देखने की जो हमारे को नहीं दिख सकती, वो बहुत ज़्यादा है। वो जो सुपरनैचुरल है उससे जल्दी संपर्क में कनेक्शन कर पाते हैं वो। लेकिन आलिया के केस में तो कहानी ही कुछ और थी। आमतौर पे बच्चों को दिखते हैं, उनकी दोस्ती भी हो जाती है आत्माओं के साथ, और ज़्यादातर देखा गया है कि आत्माएं बहुत कम उनको हानि या हार्म किसी तरह का पहुँचाती हैं। कहना ये ज़रूरी है कि जो आत्माओं का लोक होता है यानी कि स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें बहुत आत्माएँ होती हैं जो जीवित लोगों की मदद करना चाहती हैं, करती भी हैं, लेकिन अगर हम लोग उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दें तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ के उनकी तरफ से जो एडवाइस आ रहा है, जो सलाह आ रही है, जो राय आ रही है, अपना जीवन सफल बना सकते हैं। एपिसोड में आपने देखा कि आलिया ने बड़े होके ये एबिलिटी अपनी एक चैनल में लगाई जहाँ वो तांत्रिक या ओकल्टिस्ट बन के दूसरों की मदद करनी चाहती है, करती भी है। अगर आपके पास ये एबिलिटी है तो आपको दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई एक्सीडेंट में गुजर गया या किसी दुर्घटना में मर गया, तो आप एक जरिया बन सकते हैं उनके साथ संपर्क करने का। हम किसी भी रूप में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, समुदाय और भावनाओं को आहट करने की हमारी मंशा बिल्कुल नहीं है।